और मेरे बड़े भाई इन्हें देखो। योद्धा है, योद्धा है। खुशियों में बांछे खिलना अगर आपने सुना हो तो उनको खिलते हुए भी देख लीजिए, जहां प्रियंका गांधी राहुल गांधी को योद्धा बता रही हैं और खिलखिलाकर हंस रही हैं। और मेरे बड़े भाई इन्हें देखो, योद्धा हैं, योद्धा हैं। सरकार समेत मीडिया पर भी गंभीर आरोप लगा रही हैं, कह रही हैं कि भाई तुम पर गर्व है क्योंकि तुम बिके नहीं, गर्व है क्योंकि तुमने 3000 किलोमीटर का सफर पैदल चलकर पार किया। भाई बहन की ये अटखेलियां एक परिवार के लिहाज से तो ठीक हैं, भाई बहन के रिश्तों के लिहाज से भी ठीक हैं, लेकिन अगर राष्ट्रीय नेता के लिहाज से देखा जाए तो ये कितनी जायज हैं ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सवाल सोशल मीडिया पर भी उठ रहे हैं। लोग राहुल गांधी को योद्धा बताने पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। प्रतिक्रिया बताएं, लेकिन उससे पहले बता दें कि भारत भ्रमण पर निकले राहुल गांधी की जोड़ो यात्रा इन दोनों हरियाणा में है, जहां से पंजाब होते हुए वो जम्मू कश्मीर के लिए कूच करेगी, लेकिन अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले इस यात्रा के कई रंग देखने को मिल रहे हैं, जिसमें बयानबाजियां तो पुरानी हैं लेकिन तस्वीरें रंगीन हैं। जहां फारूक अब्दुल्ला के साथ इन गलबहियों की चर्चा सबसे ज्यादा हुई, लाइटर नोट पर कहें तो मानो बच्चों को दादाजी मिल गए। लेकिन इस यात्रा में दुल्लत की एंट्री ने गहरे सवाल छोड़ दिए। कहा जाता है कि दुल्लत ही वो शख्स हैं जिनकी वजह से कश्मीर की समस्या बढ़ी, दुल्लत ही वो शख्स हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वो ISI को बेस्ट स्पाई एजेंसी मानते हैं, और तो और कुछ रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक दावा किया गया कि उन्होंने भारत को आतंकवादियों की फंडिंग करने वाला बताया है। ये वो बयान है जो पाकिस्तान बोलता है, लिहाजा दुल्लत का राहुल के साथ या कहें प्रियंका के योद्धा के साथ हाथ में हाथ डालकर यूं चलना सवाल से ज्यादा चिंता बढ़ा गया, क्योंकि अगर राहुल योद्धा हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि वो किसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनकी इसी योद्धा वाली छवि को लेकर सोशल मीडिया पर लोग मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं कि जिस राहुल की यात्रा को देख प्रियंका उन्हें योद्धा बता रही हैं, ऐसी यात्रा तो शिव के भक्त 2 से 4 दिनों में 250 किलोमीटर चलने की रफ्तार से पूरा करते हैं। सोशल मीडिया पर ओंकार सिंह संधू नाम के यूजर लिखते हैं, अरे पगली प्रियंका वाड्रा, न तेरा भाई योद्धा है न तपस्वी, एक शहर से दूसरे शहर ये गाड़ियों में चल रहा है, सावन के महीने में हमारे लड़के 2 से 4 दिन में 250 किलोमीटर कांवड़ ले जाते हैं। हालांकि यूजर की बात में तो दम है, लेकिन बड़ा सवाल है कि राहुल एक बड़ी कोशिश में हैं, लेकिन उन्हें ये भी समझना होगा कि उनकी कोशिश कहीं किसी राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथों हाईजैक ना हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे ये यात्रा कश्मीर की तरफ बढ़ेगी आशंकाएं बढ़ती जाएंगी। VK News, राष्ट्र के नाम।